अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चौली। कड़दन में जो चौली होती है उसकी भाजी सूखी मसाले वाली। तो ऑलरेडी मैंने चौली 4 घंटे पहले भिगाने के लिए रख दी थी। 4 घंटे के बाद वो भीगने के बाद उसको धो के अच्छे से चुन लेना है, धो लेना है। उसके बाद कुकर में डाल के आप 4 से 5 सीटी मार दीजिए, वो पक जाएगी। उसके बाद में ये डेगची के अंदर मैंने मिर्ची डाली है 5 से 6, और लहसुन डाली हुई है। देखिए उबाल के ले लीजिए। इस तरीके से मैंने ले ली है चौली। 4 से 5 सीटी मारना है आपको, ये उबल जाती है। मगर इसको भीगने के बाद चुनना है, उसके बाद में इसको नमक डाल के उबालना है, और फिर बाद में इस तरीके से उसको बगार देना है। तो ये मैंने कांदा लिया है मीडियम साइज़ में, 2 छोटे, मिर्ची ली हूँ, लहसुन ली हूँ और हल्का सा ज़ीरा ली हूँ। अब इसको बगार को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। ये फ्राई होता रहेगा तो पिंक ही करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। उसके बाद में इसमें मैं एक मीडियम साइज़ का टमाटर डालूंगी बारीक चॉप करके। इसको बहुत अच्छे से बारीक चॉप कीजिए और डालिए। अब इसको थोड़ा पिघलने दे दीजिए और इसके साथ में अब मसाले डालिए। तो मसाले आप आपके हिसाब से डालिए, क्योंकि चौली मेरी थोड़ी है, ज़्यादा नहीं है चौली, इस वजह से मैं कम ही मसाले इसमें डालूंगी। देखिए थोड़ा मैंने टमाटर पिघलने के लिए दिया है, और हमेशा देखिए 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च डाली है। उसके बाद में मैंने 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डाला है, 1/2 चम्मच गरम मसाला, अभी हल्दी डालूंगी, उसके बाद में मैं धनिया पाउडर डालूंगी। 2 से 3 चम्मच आप डाल सकते हैं, जितनी ग्रेवी चाहिए उतनी। फिर उसके बाद में मैं डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च। उसके बाद में फिर जो चौली मैंने उबाल के रखी हूँ, पहले मसाले को अच्छे से घुमाऊंगी, क्योंकि तेल के अंदर मसाला अच्छे से वो हो जाए, मिक्स हो जाए बहुत अच्छे से। उसके बाद में जो उबाल के रखी हूँ चौली कुकर में, वो मैं इसमें बगार में डाल दूंगी, ये इस तरीके से। अब इसमें मैंने आज बटाटे नहीं डाली चौली के, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। और थोड़े से मैंने कांदे के भजिए बनाई थी और बटाटे के भजिए, तो बहुत अच्छा टेस्टी आज का खाना बना था। चौली की भाजी, चावल, इसमें थोड़ी हल्की ग्रेवी रखी थी चावल के साथ खाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने चौली तो उबाल के ली थी। तो इतना ये मैंने समझो 1 गिलास पानी है, तो 1/2 गिलास पानी, और ये बटाटे के भजिए और कांदे के भजिए माशाल्लाह बहुत प्यारे और खूबसूरत और खाने के लिए बहुत टेस्टी बने थे। तो मेरे तरीके से ज़रूर बनाइए, खाइए चौली की भाजी, और ज़रूर मुझे बताना कि किस तरीके से टेस्टी बनी या नहीं बनी भाजी। अचार भी थोड़ा सा था चावल के साथ, कांदे के भजिए बटाटे के भजिए। तो मेरे तरीके से ज़रूर खाना पकाइए, खाइए, और मुझे भी ज़रूर बताना कि चौली की भाजी मेरे तरीके से कैसी लगी आपको बना के, बनाना ज़रूर। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरा चैनल देखने के लिए बहुत थैंक यू, शेयर ज़रूर कीजिए।